आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीसेट विषय की और हम देखेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन को परीक्षा की दृष्टि से हल किया जा सकता है और किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन में कम समय में बेहतर अंक लाए जा सकते हैं। तो पूर्व में भी मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, एक प्रकार से आपको मेथड बताया था कि किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो आज फिर से उन्हीं को रिपीट कर दे रहा हूं, तो ध्यान से आप सबको देखना है। सबसे पहले अनुच्छेद या परिच्छेद की बात आ रही है कि किस तरह से इसको हल करना चाहिए। तो जब भी आप देखते होंगे आपके प्रश्न पत्र में अनुच्छेद या परिच्छेद चार भागों में बटा होता है, मतलब पूरे पेपर में चार स्थानों पर आपको अनुच्छेद या परिच्छेद देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पे सारे अनुच्छेद आपको मिल जाए, एक ही स्थान पे आपके सारे परिच्छेद आपको मिल जाए। आप सब जानते हैं अनुच्छेद परिच्छेद ये सारी चीजें एक ही हैं। इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन कहते हो, पैसेज कहते हो, तो सारी चीजें एक ही हैं। सब मिला के शब्द अलग अलग हैं लेकिन सबके अर्थ एक ही हैं। अब इसमें सबसे सर्वमान्य जो तरीका है वो दो तरीके हैं और इन दोनों तरीकों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो आपका आता है कि जब भी कोई पैसेज हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जब हम उस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड उसमें मिलेंगे। कीवर्ड मतलब क्यों, कहां, कैसे, मतलब कोई कारण होगा, कोई विशेष कथन होगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड मिलते हैं उनको हमें अंडरलाइन करना होता है। तीसरा काम क्या होता है कि जब हमने पैसेज को पढ़ लिया, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया, तो हमको जाना है कहां पे, तब इसके बाद हमको जाना है प्रश्नों पे। तीसरा वर्ड हमारा कार्य क्या होता है कि हम प्रश्नों पे जाएं और प्रश्नों को पढ़ें। निश्चित तौर पर यदि एक बार आप जाके प्रश्नों को पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आपने पैसेज में अंडरलाइन किया है उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होगा कि जो आप कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, क्यों, कहां, कैसे, कारण या कथन कोई है, तो प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पुनः प्रश्न पढ़ने के बाद कॉम्प्रिहेंशन पे जाना चाहिए, और जब प्रश्न पढ़ने के बाद आप दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपना जवाब कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएगा। तो ये पहला तरीका है और इस तरीके का पालन आप सबको करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए, और इसमें एक्यूरेसी की यदि हम बात करें तो 90% ये एक्यूरेट होता है। यदि आप इस मेथड का फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो 90% उम्मीद है कि आपका जो पैसेज है उसके उत्तर आप सही कर पाए। दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले प्रश्नों को नहीं, सबसे पहले इसमें पैसेज नहीं पढ़ना है, बल्कि सबसे पहले इसमें प्रश्नों को पढ़ना है। दूसरे तरीके में सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, और जब आप प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इस तरह से विकसित होता है कि आप यदि प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद उसका उत्तर खोजते हैं तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग तुरंत कैच करता है। कहने का मतलब यदि आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद यदि आप पैसेज पे जाते हैं तो जरूरी है कि आप तुरंत उसके उत्तर को क्लिक कर पाए, उसके उत्तर को पैसेज में ढूंढ पाए। ये बहुत ही आसान तरीका है दूसरा वाला, और इसमें जब भी आप प्रश्न पढ़ोगे प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा और उससे जुड़ा हुआ जैसे ही कोई तथ्य आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा आप उसको कैच कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है ये उन दिनों के लिए बेहतर है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, परीक्षा भवन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा भवन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और जरूरी नहीं है कि आप दो दो बार उस पैसेज को पढ़ सके जैसे कि पहले तरीके में बोला गया है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रश्नों को पढ़ें, पैसेज पे जाएं, और निश्चित तौर पर जब प्रश्नों को पढ़ने के बाद पैसेज पर जाएंगे तो आपको अपना जवाब ढूंढने में समस्या नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रारंभिक दौर में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पहले तरीके से जाएं, पहले पैसेज को पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, इसके बाद यदि हम प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो समझ है वो थोड़ी सी और विकसित होगी। चीजों को समझेंगे यदि हम तो जो हमारा सोचने और समझने का दायरा है वो थोड़ा सा विस्तृत होगा। तो यदि इस तरीके से आप जाते हो तो जीएस के परिप्रेक्ष्य से भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जो पैसेज होते हैं ज्यादातर सामान्य अध्ययन से ही जुड़े होते हैं, समसामयिक घटनाओं से जुड़े होते हैं। तो अभी जब आप प्रारंभिक चरण में हैं तो आपको इसी पहले तरीके का अनुसरण करना चाहिए और इसी के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। बात आती है दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके का आप उपयोग तब कर सकते हैं जब आपका परीक्षा नजदीक हो,
दो से तीन महीने बाद आपकी परीक्षा है, तब आप इस ढर्रे को अपना सकते हैं, इस पर आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित तौर पर दोनों तरीके आपके कारगर हैं। तीसरा भी एक तरीका होता है उन छात्रों के लिए जिनके लिए एक प्रकार से जो समय को परीक्षा भवन में समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तीसरा तरीका है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की तरीका है, क्यों? क्योंकि इस तरीके में क्या होता है, आपके पास पैसे पढ़ने का समय नहीं होता, आपके पास उसको समझने का समय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप प्रश्नों को पढ़कर एक अनुमान लगाते हैं और उन्हीं अनुमानों के आधार पर आप अपना जवाब देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 10 पैसे बच्चे हैं, समय आपके पास 5 मिनट है, तो ऐसे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा पैसे पढ़ सको। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस ट्रिक को अपनाएं। तो तीन तरीके हैं जिनके आधार पर आप कंप्रेंशन को हल कर सकते हैं। और जो लोग, यदि आप देखो, मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको समग्र रूप से बताया था कि सीसेट किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए, तो पहली वीडियो शायद आजाद आईएएस अकादमी में पब्लिश हुई थी, तो वहां से जाके आप सबको देखनी चाहिए। अब आप सबके पास तरीका हो गया है, चीजें पता चल गई कि किस प्रकार से कंप्रेंशन को हल करना चाहिए। तो आपको अब सबसे पहले आना है, जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया गया था, आप सबको पीडीएफ मिल चुका होगा इस वीडियो से संबंधित। तो पहले, सबसे पहले, यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप पहले पीडीएफ को, वीडियो रोक कर पीडीएफ को, सारे जो भी 8 पीडीएफ इसमें है, टोटल 8 प्रश्न है, तो जरूरी है कि इन 8 प्रश्नों को इस वीडियो को रोक कर पहले आप पढ़ें। उनके क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है, जो कीवर्ड नजर आते हैं उनको अंडरलाइन करना है, फिर प्रश्नों को देखना है और अपना जवाब खोजने का प्रयास करना है। सबसे पहले अपनी तरफ से इतना प्रयास करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। अब जैसे हम परिच्छेद नंबर 1 को देखते हैं, परिच्छेद नंबर 1 में कहा गया है, सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं, जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटी छोटी ठेरियों में ठूसा जाता है। इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप विश्व की अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां उठ खड़ी हुई हैं। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन करने लायक वर्ड क्या है कि इस प्रकार का जो प्रचलन चल रहा है, जहाँ पे कम स्थानों में मांस उत्पादन के लिए ज्यादा पशुओं को रखा जाता है, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां जन्म लेती हैं। तो कारण है, और एक कारण है तो इसको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण है, कार्य और कारण यहाँ पे मिल रहा है तो इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो बता रहा है कि विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहां पशु अपना लघु जीवन कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविकों और वृद्ध हार्मोनों के ठसाठस इस्तेमाल के बीच बद होने के दिन तक व्यतीत करते हैं। इसमें भी कुछ कारण दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि किस प्रकार से जो पशु मांस के उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, मांस के उद्योग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, कब तक, जब तक कि उनका वध नहीं हो जाता। तो आप इनमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो कह रहा है कि मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है, मांस के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए 3400 लीटर, 1 किलोग्राम अंडे के लिए 3300 लीटर और 1 किलोग्राम आलू के लिए 255 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बता दिया गया कि किस प्रकार से, सबसे पहले इस, यदि आप पूरे पैसेज को पढ़ें तो आप समझेंगे कि सबसे पहले पूरे पैसेज में बताया गया है कि किस प्रकार से सस्ते मांस के लिए प्रचुर उपलब्धता, जो मांग है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े 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 पशुओं को जो मांस उत्पादन में लगे हुए हैं, मांस उत्पादन के उद्योग में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से तंग जगहों में रखा जाता है, और इन तंग जगहों में रखने के साथ साथ उनको कृत्रिम लाइट के साथ, उनको ऐसे जो उनका भोजन होता है, इस तरह का भोजन उनको दिया जाता है, इस तरह का हार्मोन्स दिया जाता है कि वो कम समय में ही ज्यादा वृद्धि कर सके। मतलब
आप देखते होंगे, यदि आप मुर्गी पालन से जुड़े हुए उद्योगों को आप देखे हो तो आप देखेंगे कि उसमें से तो 80% ऐसे होती हैं जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि उनका जो वेट है वो जो मानक है उससे ज्यादा हो जाता है, जो उनके पैर होते हैं उनके वेट को संभाल नहीं पाते। तो इस तरह के उद्योग धंधे चल रहे हैं जो मांस उत्पादन में लगे हुए हैं। इसी तरह का आपको, जैसे आपने पक्षियों में देखा, इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा जो मांस उत्पादन में लगे हुए जानवरों हैं, जैसे बकरी के लिए आप देखने को पाओगे। इसके अतिरिक्त सुअर पालन का भी मांस के लिए ज्यादातर उपयोग होता, वहां भी इस तरह की मानवीय दशाएं देखने को, अमानवीय दशाएं देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे परिच्छेद में सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र बिंदु है वो बताया गया है कि मांस उत्पादन में जो लगे हुए लोग हैं वो किस प्रकार से जानवरों को प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार के माहौल में उन्हें रखते हैं। और इसमें लास्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से मांस के उत्पादन में बहुत ज्यादा जल की बर्बादी होती है। अब आप अपने प्रश्न पे आए। प्रश्न कह रहा है कि इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश कौन सा है। अब आपको पूछ रहा है कि कौन सा निर्णायक संदेश तर्कसंगत है। इसमें यदि आप देखें तो पहला कह रहा है औद्योगिक पशुपालन से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है और यह गरीब देशों को प्रोटीन पोषण प्रदान करने हेतु उपयुक्त है। पैसेज की एक खास बात होती है जो आपके पक्ष में होती है, वो क्या है कि पैसेज में कुछ भी आपको सोचना नहीं होता है, आपको जो जवाब देना है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज के अंदर जो समाहित तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर आपको जवाब देना होता है, यहाँ पे आपको अपने विचार नहीं देने होते हैं। और जो पहला कथन कहा गया है इसमें कहा गया है कि औद्योगिक पशुपालन जो है ये गरीब देशों को पोषण उपलब्धता, प्रोटीन पोषण उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। गलत है, क्योंकि कहीं भी इसमें गरीब देशों अमीर देशों की बात नहीं हुई है, तो पहला कथन तो इसका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है। इसकी भी चर्चा कहीं नहीं हुई है कि ये कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हालांकि करते हैं लेकिन पैसेज में इस बात को कहीं भी रखा नहीं गया। तीसरा कह रहा है औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है और इसको तुरंत रोक देना चाहिए। इसकी भी चर्चा प्रश्न इस कथन में कहीं भी नहीं हुई है, इस पैसेज में कहीं नहीं हुई है कि इसको रोका जाना चाहिए। चौथा कथन कह रहा है, चौथा जो विकल्प है, मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है जबकि इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। अब यदि आप देखें तो इसमें क्या बात किया गया है कि पर्यावरणीय लागत मतलब जिस प्रकार से हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से वो गलत है। मांस के उत्पादन में लगे हुए कारखानों में जिस प्रकार से जल का उपभोग हो रहा है वो पैमाना गलत है। तो निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे तो इसमें अस्पष्ट रूप से यदि हम चारों विकल्पों में देखें तो डी विकल्प इस परिच्छेद की तर्क संगत व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जहां प्रचुर मात्रा में मांस के उत्पादन हेतु फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं वहीं पर पशुओं को क्रूरता से भी रखा जाता है, जल का भी दुरुपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के खिलाफ चल रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प है यदि आप देखेंगे तो इसका डी विकल्प सही है। चलिए दूसरे कथन पर जाते हैं, दूसरे परिच्छेद पर जाते हैं। आप सबको दूसरा परिच्छेद ओपन कर लेना चाहिए। और दूसरा परिच्छेद कह रहा है कि एक नर बाघ को पेंच अभयारण्य से हटाकर पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले जाकर रखा गया। कहाँ रखा गया इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि पेंच बाघ अभयारण्य से हटाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में रखा गया। बाद में इस बाघ ने अपने घर की ओर 250 मील लंबी दूरी तय की, मतलब इसने पुनः पन्ना से पेंच की दूरी तय किया, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। आगे कह रहा है इस अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। कई वन्य जीव अभ्यारण मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के द्वीपों के रूप में विद्यमान हैं, फिर भी कोई बाघ शिकार जोड़े और अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील के प्रयास में घूम सकता है। भारत के लगभग एक तिहाई बाघ बाघ अभ्यारणों के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव और पशु दोनों के लिए ही संकटपूर्ण है। बाघ और उसके शिकार तभी अलग रह सकते हैं यदि अभ्यारणों के बीच
भूमि के मान्य गलियारे हों ताकि वो बिना छेड़छाड़ के आ जा सके। ये जो पैसेज है ये दर्शाता है क्योंकि ये 2018 में पूछा गया है और उस समय गलियारों की बात हो रही थी, हाथी गलियारों की बात हो रही थी, बाघ गलियारों की बात हो रही थी। जैसे कि एक वन अभ्यारण को दूसरे वन अभ्यारण से, एक राष्ट्रीय उद्यान को दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जा सके। पहले पूर्व के समय में ऐसा था, प्राकृतिक मार्ग बने हुए थे जहां से कोई बाघ उत्तराखंड से होके मध्य प्रदेश जा सकता था, मध्य प्रदेश से कर्नाटक जा सकता था। लेकिन आज इस दौड़ भाग के जीवन में जो अवसंरचना विकास हमने किया है, हमने सड़कों का जो जाल बिछाया है उसमें जो इनके प्राकृतिक मार्ग थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के, वो हमने समाप्त कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये समस्या देखने को मिल रही है। अब पूछ क्या रहा है इस कथन में, प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसके बाद समझते हैं। इसमें पूछ रहा है, इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश कौन सा है। पहला कह रहा है, मनुष्य और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता चाहे हम जो भी प्रयत्न करें। दूसरा कह रहा है, संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्य जीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू हैं। तीसरा कह रहा है, भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करे। जबकि यदि आप देखो तो तीसरे कथन की कहीं चर्चा नहीं हुई है पूरे पैसेज में कि भारत और वन्य जीव अभयारण्यों की घोषणा करे, तो ये तो गलत हो जाता है। चौथा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पार्कों और बाघ अभयारण्यों का व्यावसायिक प्रबंधन होना चाहिए, इसकी भी चर्चा नहीं हुई है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा कि सबसे राहत की बात क्या होती है पैसेज में, कि आपको अलग से कुछ भी नहीं सोचना होता है, इन्हीं पैसेज को पढ़कर अपना जवाब देना होता है। अब यदि आप देखो तो तीसरा और चौथा तो हो गया गलत, पहला और दूसरा बचा है। और पहला कथन कह रहा है कि मनुष्य और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता, इसकी भी बात इसमें नहीं की गई। दूसरे की यदि हम बात करें, संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्य जीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा पैसेज है इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक बाघ जो है भोजन की तलाश में, साथी की तलाश में, क्षेत्र की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक वन्य जीव अभयारण्य से दूसरे वन्य जीव अभयारण्य तक का सफर करना चाहता है। और ऐसी मुश्किलें क्यों आती हैं, क्योंकि गलियारे जो थे वो समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण जब वन्य जीव अभयारण्य से कोई भी जानवर निकलता है तो वो मानवीय बस्तियों में आता है। और निश्चित तौर पे आप देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में यदि आप रहते हैं तो पीलीभीत अक्सर चर्चा में रहता है, जहां बाघ और मानव के संघर्ष आम हो गए हैं। उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर जो उनका क्षेत्र हो रहा है उसको लगातार हम सीमित करते जा रहे हैं, जो प्राकृतिक गलियारे थे उनको लगातार समाप्त करते जा रहे हैं, जिसके कारण बाघ अभयारण्यों में चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, जिन पशुओं का हम संरक्षण कर रहे हैं उनसे संबंधित चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। तो इस पैसेज को यदि आप पढ़ेंगे तो इसका बी विकल्प आपको समझ में आएगा कि ये सर्वश्रेष्ठ इसकी व्याख्या करता है। अब इसमें एक प्रश्न और भी दिया है, ये कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, क्या बनाई गई हैं। कह रहा कि एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीव के संरक्षण करने की रणनीति प्रायः सीमित नहीं, सफल नहीं होती है। कह रहा कि एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीव के संरक्षण करने की रणनीति प्रायः सफल नहीं होती है। निश्चित तौर पे जब हम एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों को नहीं ले जाएंगे, उनके मार्ग को प्रशस्त नहीं करेंगे, उनके गलियारों को नहीं बनाएंगे, तो ये जो हमारी मुहिम है वन्य जीव संरक्षण की ये सफल नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बनाया गया है, इसमें क्या धारणा बनाई गई, पूछ रहा कि कौन सा पूर्व धारणा बनाई गई है। तो इस पैसेज को आपने जैसे ही पढ़ा तो तुरंत इसमें आपने देखा कि एक बाघ को पेंच से उठाकर कहां ले जाया गया, पन्ना ले जाया गया, और वह पुनः 250 मील की दूरी तय करता है, मतलब वो पुनः अपने पूर्व वाले आवास में वापस आना चाहता है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो धारणा है
क्या पूर्व धारणा बनाई गई है? तो पूर्व धारणा इसमें यही बनाई गई है कि यदि एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये जो रणनीति है ये सफल नहीं हो सकती। क्यों नहीं सफल हो सकती? क्योंकि वन्य जीव गलियारे समाप्त हैं, कहीं ना कहीं वो मानव बस्तियों में आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलकर, और यदि मानव बस्तियों में आएगा तो मानव पशु संघर्ष, मानव जानवर संघर्ष देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर शिकारियों की चपेट में वो आ सकता है। तो जो पहला है यही पूर्व अवधारणा बनाई गई है कि वर्तमान समय में जरूरी है कि जिस वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी बाघ रह रहा है वो उसी में ही रहे, उससे बाहर ना निकले, क्योंकि उसके प्राकृतिक जो गलियारे थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि बाघों, भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है, इसकी चर्चा कहीं इस पूरे कथन में नहीं की गई, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो इसका केवल एक विकल्प सही है, ठीक है। चलिए परिच्छेद नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद नंबर जो 3 है ये कह रहा है वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह वर्तमान को डराता है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है का भविष्य निरूपण करता है, जो और किसी से नहीं हो सकता है। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्ति दाता है। अब इसमें पूछ रहा है विज्ञान के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से विज्ञान के लाभ और हानि दोनों हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसके लाभ ज्यादातर हैं और कोई भी देश यदि विज्ञान को साथ लेकर नहीं चलता है तो वो विकास नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताया है, चाहे गरीबी रहे तो गरीबी हटाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, युद्ध ना हो उसके लिए भी तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, रोग मुक्त के लिए भी तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज विज्ञान समय की मांग है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिच्छेद सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है। अब इसमें पहला है सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं भी है, गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह अकेला बड़ा संकट नहीं है, इसकी भी चर्चा कहीं नहीं हुई है। अब तीसरे कथन पर यदि आते हैं तो इसमें कहा गया है विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है, और जब आपने पैसेज को पढ़ा तो इसमें भी बताया गया कि विज्ञान के द्वारा आज हम रोग मुक्त हो रहे हैं, गरीबी मुक्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है बिना विज्ञान के हम सुखी विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और यदि आपने ये टेक्निक देखी होगी कि पहले आप प्रश्नों को पढ़ते हैं या पहले आप पैसेज को पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से पैसेज को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी एक विचार आता होगा कि ये जो पैसेज है ये किस पर आधारित है, किन चीजों को इसमें बोला गया है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। चलिए अब हम देखते हैं परिच्छेद नंबर 4। परिच्छेद नंबर 4 को देखते हैं, इसके बाद के जो परिच्छेद हैं जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, इन सब को आप स्वयं हल करेंगे और परिच्छेद नंबर 4 को हम देख लेते हैं। परिच्छेद नंबर 4 कह रहा है कि कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। परिच्छेद कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या तो व्यक्ति में होता ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यह सिद्धांत मिथ्या है, यह मिथ्या है क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो नेतृत्व की कला है वो सिर्फ जन्मजात होती है, ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब यदि किसी में नेतृत्व की कला है तो वो जन्मजात है, बाद में नेतृत्व की कला नहीं होती है, कहने का मतलब ये। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये मिथ्या है क्योंकि नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई जा सकती है, ठीक है। तो दो गुट हैं यहाँ पे, एक का कहना है कि नेतृत्व की कला जन्मजात है, नहीं तो होती ही नहीं है। दूसरा कह रहा है ये जन्मजात नहीं भी हो तो भी उसको सिखाया जा सकता है। इसके बाद यदि आप देखो तो इसमें कह रहा है कि यह खोज युद्ध के समय में की गई है और प्राप्त परिणाम प्रशिक्षकों को भी आश्चर्य में डाल देते हैं।
बाएं जाने या दाएं जाने के विकल्पों का सामना होने पर हर सैनिक जल्दी ही समझ जाता है कि किसी भी ओर जाने का एक त्वरित निर्णय लेना अंतहीन चर्चा में लगे रहने से बेहतर है। किसी भी दशा का एक दृढ़ चुनाव कर लें तो उसमें सही होने का तब भी संयोग हो सकता है जबकि कुछ ना करना लगभग निश्चित तौर पर गलत है। ये पूरा जो कथन है, सबसे पहले इसको मैंने पूर्व में भी बताया कि नेतृत्व की कला से संबंधित है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि नेतृत्व जन्मजात होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नेतृत्व जन्मजात नहीं है, तो भी उसको सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में इन्होंने युद्ध भूमि का वर्णन किया है कि यदि कोई सैनिक युद्ध लड़ रहा है और एकाएक उसके सामने दो विकल्प है, मान लीजिए कोई सैनिक युद्ध लड़ रहा है जिसमें इसमें दर्शाया गया है और सामने से दुश्मन का अटैक हो रहा है और उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो है कि वो सबसे पहली बात कि वो दुश्मन का अटैक है और उसे बच नहीं सकता, तो उसके पास दो विकल्प हैं कि या तो वो दाएं जाए या तो बाएं जाए। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऐसी समस्या में है कि उस समस्या का समाधान उसके अंदर नहीं है, उस समस्या का समाधान वो नहीं कर सकता है, तो उसके पास दो ही विकल्प हैं कि या तो वो पीछे हट जाए या तो वो समस्या से लड़ा रहे। लेकिन जब वो जानता है कि हम इस समस्या से जूझ नहीं सकते हैं, इससे हम प्रभावित ही हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो त्वरित निर्णय क्या करेगा, पीछे हटने का करेगा। तो ऐसे समय में, कहने का मतलब है कि जब भी कोई समस्या वाली सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, तो जो व्यक्ति का मन मस्तिष्क है, यदि आप उसके लिए तैयार भी नहीं हो तो त्वरित निर्णय दिमाग कर लेता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण के रूप में यदि आप देखो, मान लीजिए कोई एक नदी है, आपको पार करना है लेकिन आपको तैरना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? जरूरी तो नहीं है, मान लीजिए जाना बहुत आवश्यक है, ठीक है, और तैरना भी नहीं आता आपको और नदी पूरे बहाव में बह रही है, तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे भाई? नहीं जाते हैं, विचार जो है पार जाने का उसको आप त्याग कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपको तैरना नहीं आता है और आप डूब सकते हो। तो ये विचार कहां से आया? जरूरी नहीं कि पहले आपने नदी देखा हो, पहले इस तरह की सिचुएशन आई हो। तो कहने का मतलब है जब परिस्थितियां उस प्रकार की होती हैं, तो जो हमारा दिमाग है वो त्वरित निर्णय कर लेता है, और जो निर्णय करता है उसको यदि वो प्रयास करे तो उसको सफल भी कर सकता है, ठीक है। तो अब यदि देखें तो कह रहा है कि इस परिच्छेद के लेखक का मत यह है कि नेतृत्व को केवल युद्ध के अनुभव से सिखाया जा सकता है, गलत है। दूसरा कह रहा है नेतृत्व को अर्जित भी किया जा सकता है और साथ भी सिखाया जा सकता है। जी हाँ, नेतृत्व जो है उसको अर्जित किया जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो जन्मजात हो। यही कथन इसकी सही व्याख्या करता है। सी विकल्प भी देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। इसकी भी चर्चा कहीं नहीं हुई है कि जिनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं ज्यादातर लोग सीख ही जाते हैं, इसकी भी चर्चा कहीं भी इसमें नहीं हुई है। चौथा है कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। तो निश्चित रूप से जो भी विकल्प है वो आपके इस परिच्छेद की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये परिच्छेद आसानी से हल हो रहे हैं। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, पांचवा। टोटल 8 परिच्छेद है, बाकी के आपको स्वयं करने हैं, तो पांचवा मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, ठीक है। पांचवा परिच्छेद क्या कह रहा है कि WTO का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बंधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, यौम अनुसमर्थन भी किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। न्यूनतम समर्थों से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। भारत में PDS के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग आवश्यक है। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक बढ़ जाए। अब आपको पूरे कथन को जब आपने पढ़ लिया तो सिर्फ ये यही बता रहा है कि जो मूल्य सहायता हम उपलब्ध कराते हैं विशेषकर विकासशील देशों में, जैसे भारत में विभिन्न फसलों के लिए समर्थित मूल्य घोषित किया जाता है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि WTO में इसकी निर्धारित किया गया है कि आप कितना दे सकते हैं और विकासशील देश उससे ज्यादा दे रहे हैं। और इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद आपको सही विकल्प चुनाव करना है। पहला कह रहा है भारत को अपने PDS को संशोधित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है भारत को WTO का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये तो एकदम गलत हो जाता है।
तीसरा कह रहा है भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है, यह भी कहीं भी नहीं बोला गया है। तीसरा कह रहा है भारत अपने गरीबों को खाद्य सुरक्षा देता है, ये भी कहीं नहीं बोला गया है। तो यदि हम देखें उपयुक्त परिच्छेद में तो जो पहला कथन है कि भारत को पीडीएस को संशोधित करना चाहिए, ये सर्वमान्य है, सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि भारत समझौतों से बंधा हुआ है और समझौतों के अंदर क्या है कि हमें 10% तक ही सहायता उपलब्ध करानी है, उससे ज्यादा नहीं। तो यदि हम संशोधित नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे जो सहायता का पैटर्न अभी बना है, तो आने वाले दिनों में ये 10% को क्रॉस कर जाएगा। और जब 10% को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय संधि से बंधे हुए हैं, WHO में हमने हस्ताक्षर किया है, तो ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होगा, अंतरराष्ट्रीय संधियों के खिलाफ होगा, और इससे भारत को WHO में समस्या हो सकती है। तो भारत को समस्या ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें 10% से अधिक जो पैमाना है WHO का, उसी के अंतर्गत ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि देखें तो परिच्छेद बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ इन दो फार्मूलों का आप उपयोग करें। या तो आप सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले कंप्रेंशन पढ़ें उसके बाद प्रश्नों पे जाएं, और आपको भी इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा। बाकी के तीन परिच्छेद जो हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आपका काम है, आप इनको हल करेंगे, ठीक है। हल करने के बाद यदि आपको कोई समस्या होती है तो आपको सारे विकल्प बताए गए हैं, चैट बॉक्स है, सारी चीजें हैं, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो अपने इस सीसेट की क्लास में मैं आप सबसे यहीं पर विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे शनिवार को, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।